हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेज फूड्स। आज हम बनाते हैं हरी मिर्च और करौंदे का इंस्टेंट अचार। ये बहुत ही टेस्टी होता है। खट्टे करौंदे से हरी मिर्च का तीखापन कम हो जाता है। आइए देखते हैं इस टेस्टी मिर्च करौंदे की रेसिपी। ये हमने लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च। इसको मैंने धो के बीच में से काट लिया है। इसी तरह से 100 ग्राम करौंदे, इनको भी हमने अच्छे से वॉश करके बीच में से दो हिस्सों में काट लिया है। अभी कढ़ाई को अच्छे से गरम करके उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। अब तेल अच्छे से गरम हो चुका है। 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवायन, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए करौंदे डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर। चलाकर इसे अच्छे से मसालों में मिक्स कर दीजिए। अब हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाएंगे, जब तक करौंदे और मिर्च सॉफ्ट हो जाते हैं। बीच बीच में से चलाते रहिए। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं। मिर्च करौंदे बिल्कुल रेडी है। इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट पे। खट्टा खट्टा मिर्च करौंदे का अचार रेडी है। आप इसे 1 वीक तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। रोटी, सब्जी, पराठे सबके साथ ये जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।